सर, इसमें किन किन लोगों का सहयोग लिया गया और इस तरह की जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसमें जनपद में एसपी आरए तैनात हैं श्री चिराग जैन, इनके द्वारा जीएम डीआईसी श्री एसएस रावत के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए इनके सहयोग से अलग अलग जनपदों से रिक्वेस्ट करके और उनके जो वहाँ के ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि कुछ के जो ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं उनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा था, तो उनके मिनिएचर साइज़ के सैंपल्स मंगाए गए जिसको एक गैलरी के रूप में डिस्प्ले किया जा सके। और इनके साथ साथ जो दो कारीगर हमारे श्री लालमन और अबूशाद, इनके द्वारा ये पूरी गैलरी तैयार की गई है, तो मैं इनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और हम लोग इसको और आगे एक्सटेंड करेंगे और बेहतर तरीके से इस गैलरी को एक्सटेंड करने का प्रयास करेंगे। सर, कितना समय लग गया इस पूरे स्ट्रक्चर को तैयार करने में? इसमें क्योंकि आप अवगत हैं कि जैसे निर्वाचन की प्रक्रिया भी इस दौरान चल रही थी, तो लगभग 1.5 महीने से हम लोग लगातार प्रयासरत थे अलग अलग जनपदों से बात करना, अलग अलग जनपद में जो संबंधित विभाग के लोग हैं उनसे वार्ता करना और एक स्टैंडर्ड साइज के मिनिएचर या जो सैंपल्स हैं उनको मंगाना। तो ये लगभग 1.5 महीने का प्रयास है जो अभी आज हम लोगों ने जिसको इनॉग्रेट किया है और इसको और बेहतर करेंगे आगे और संख्या से बढ़ाएंगे। पूरे प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम या जनपद आजमगढ़ में पहला ये कार्यक्रम इस तरह का? ये हम क्योंकि ओडीओपी शासन की एक बहुत ही अच्छी योजना है कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट हो, तो पुलिस विभाग ने आजमगढ़ में हम लोगों ने प्रयास किया है इसके माध्यम से हम लोग डिस्प्ले कर पाए, क्योंकि सबसे मेन काम है जागरूकता का। हमारे यहाँ कोई प्रदेश, कोई जनपद, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ कोई ना कोई खास चीज़ ना बनती हो, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है। तो ये एक छोटा सा प्रयास है इस चीज़ का कि हमारे माध्यम से जितने ज़्यादा लोग अवगत हो सकते हैं। आप जान रहे हैं कि इस मीटिंग हॉल में डेली कोई ना कोई मीटिंग होती है और उसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स आते हैं, कभी पत्रकार बंधु आते हैं, कभी पुलिसकर्मी आते हैं, कभी हमारे जो सरकारी वकील हैं वो आते हैं। तो जब जो भी इस मीटिंग हॉल में आएगा वो देखेगा कि अलग अलग प्रोडक्ट्स क्या क्या लगे हुए हैं, तो उसका हो सकता है किसी दो प्रोडक्ट में रुचि हो तो वो संबंधित जनपद से उन प्रोडक्ट्स को मंगाएगा, खरीदेगा। उससे जो हमारे कारीगर हैं उनको भी फायदा होगा, जो लोग उसके बनाने में लगे हुए हैं उनको भी फायदा होगा। तो एक छोटा सा प्रयास है आजमगढ़ पुलिस की तरफ से और इससे हमारे मीटिंग हॉल का लुक भी और काफ़ी बेहतर हो गया है, इसीलिए किया गया।